अस्सलामुअलैकुम। बान साहब ने कहा है सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, घबराए तो नहीं होना। देखो ये हथकंडे राणा सनाउल्लाह को इतने दिन से धमकियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है कि कैसे आसमान से गोलियां मारेगा, शेर चलाएगा, लाठी चार्ज करेगा, सारी दुनिया की बकवास कर रहा है ये क्रिमिनल, जिसकी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं इसने 20 कत्ल खुद किए हैं। मैं राणा सनाउल्लाह, मैं तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूं, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं, तुम जो रोज ये आके कहते हो कि हम इस्लामाबाद में तुम्हें घुसने नहीं देंगे, हम इस्लामाबाद सील कर देंगे, तुम्हें घुसने नहीं देंगे, मैं राणा सनाउल्लाह तुमको पैगाम दे रहा हूं, तुम इस्लामाबाद से निकल के दिखाओ तुम्हारी क्या औकात है बगैरत के, तुम हमें घुसने नहीं दोगे, हम आ रहे हैं इस्लामाबाद और तुम निकल के दिखाओ। अब मैं जाके ऐसे कहते हैं कि किसने कहा था खूनी मार्च, क्या नाम है बगैरत का, कहता है खूनी मार्च, हम अमन पसंद लोग हैं, खवातीन फैमिली बच्चे बूढ़े जवान वो हमारे साथ हैं, धमकियां दिलवाते खूनी तुमने बनाया है, हमने नहीं बनाया, हम अभी भी पूरा मन खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान में अभी भी पूरा मन है, लेकिन खान की एक कॉल का इंतजार है, एक कॉल का इंतजार है, ये पूरा मुल्क एक घंटे में बंद करके दिखाएंगे तुमको। अभी खबर आई है कि चड्ढा साहब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह सब खैरियत तो ठीक होंगे, आपने घबराना नहीं है, हम इंशाल्लाह ये जंग जीतेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, पाकिस्तान, इमरान खान, इंपोर्टेड हुकूमत, डाकू की हुकूमत, चोरों की हुकूमत, कातिल की हुकूमत। इंशाल्लाह मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूं, पूरे पंजाब में जब शेख हुसैन एंट्री हमारी हुई हर जगह सिंध का काफिले का बड़ा हरियाणा इस्तेमाल हुआ है, रही खान में खाने वाल में और वजीर साहब माशाल्लाह, और गुजरात आगे जो है वजीर वजीराबाद और गुजरात, बहुत शुक्रिया, आप घबराए नहीं, सब ठीक होगा इंशाल्लाह, खान साहब के अगले पैगाम का आप इंतजार करें, बहुत बहुत मेहरबानी, पाकिस्तान जिंदाबाद।